वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र। सो गाइस, हियर इज एन अपडेट रिगार्डिंग पीएचटी एडमिशन 2019 आईआईएसईआर मोहाली, जो कि है पंजाब में, बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, रियली बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके पीएचटी के फॉर्म्स जो है निकले हुए हैं अगस्त 2019 सेशन के लिए। सो गाइस, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, एंड इन केस यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू कैन अप्लाई फॉर श्योर। फाइन गाइस, तो ये जो पीएचटी प्रोग्राम है ये अगस्त 2019 से स्टार्ट हो जाएगा, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा। लोकेशन जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है वो है मोहाली, दैट इज़ इन पंजाब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है। एंड जो एलिजिबिलिटी, जो कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक एमबीबीएस होना चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड 60% अबव। फाइन, या फिर मेरा कहने का मतलब है जिसके पास ये पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर जिसके पास भी बीटेक की डिग्री है, ये सब लोग जो है एलिजिबल हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फाइन, कुछ एसेंशियल्स भी हैं, बिकॉज बहुत अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली कुछ एडिशनल चीज़ें आप लोगों के पास होगी, तभी आप लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रेफर किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके पास इनमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, गेट का, सीएसआईआर का, यूजीसी नेट का, जेस्ट एग्ज़ाम, जीपैट, बिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए होता है बेसिकली, इंस्पायर फेलोशिप है, बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, इंस्पायर फेलोशिप होती है उनके पास अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सेमेस्टर पूरा जो ईयर वाइज टॉपर होते हैं उनके लिए जो है ये फेलोशिप होती है, या फिर आईसीएमआर या फिर आईसीआर नेट, कोई भी एग्ज़ाम आपके पास इनमें से क्लियर है तो बहुत अच्छा है, एक बहुत ही पावर बूस्टिंग फैक्टर की तरह जो है ये काम करेगा, एंड आपका जो है चांसेस बढ़ाएगा सेलेक्शन होने के पीएचडी के इंटरव्यू में। फाइन, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी सारा साइट इंफॉर्मेशन, साइट का कौन सा इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग, हर चीज़ का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप क्लिक करके जो है जान सकें। बेसिकली जिस जिस सब्जेक्ट्स में ये पीएचडी जो है प्रोवाइड कराता है आईआईएससीआर मोहाली, दैट इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट हमें देखिए फॉर्म तो भरना ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगी कि फॉर्म हमेशा भरना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो एक तो सबसे बड़ा अच्छी बात उससे हो नहीं सकती, फाइन, बिकॉज आप शॉर्टलिस्ट हो गए, हज़ारों कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, इसके बाद एक इंटरव्यू फेस करना, दैट इज़ अ बिग थिंग, फाइन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आगे आपका जो भी ड्रीम इंस्टीट्यूट है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, फाइन, उसके लिए भी एक तरीके से फॉरवर्ड स्टेप होगा, इंटरव्यूज हमेशा आप लोगों को देते रहने चाहिए, फाइन, उससे जितना अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है उतना कहीं से भी नहीं मिल सकता। नॉर्मली घर बैठे सब चीज़ों को एनालाइज करना, फेस टू फेस इंटरव्यू फेस करना, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, फाइन। तो जो भी आपकी स्ट्रीम है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप करना चाहते हैं पीएचडी, देन ऑब्वियसली आप जो है विजिट कर सकते हैं साइट को एंड जो है क्राइटेरियाज देख सकते हैं, फाइन। कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है, लास्ट डेट जो है वो 10th अप्रैल 2019 है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आपने जो फॉर्म भरा है उसके बेसिस पर जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फाइन। सो गाइस, देखिए, अगर आपका कोई भी एक एग्ज़ाम भी क्लियर है, फॉर एग्जांपल आपका गेट क्लियर है, ठीक है, अभी आपका नेट क्लियर नहीं है या फिर ऑल्टरनेटिव चीज़ है, तो आप इस चीज़ के लिए वेट मत करना कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँ, नो, ठीक है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं उसके बाद उनके एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, फाइन, तो वो तो हो ही सकते हैं, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो जस्ट प्री चीज़ें चलती हैं, ठीक है, आपकी थियोरेटिकल क्लासेस ज़्यादा लगती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइन, सो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू द वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो के सब कुछ दे दिया है लिंक, आप जस्ट वहाँ से क्लिक करें एंड जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखें। ऐसी और अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, कोई भी अच्छे एग्जाम्स के रेलिवेंट, उनसे सारी चीज़ें जो है रिलेटेड मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, आपको अलर्ट रहना है, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी पॉजिटिव चीज़ें आगे बढ़ानी है एंड लाइफ में सक्सेसफुल
होना है, ठीक है। मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि आपको सोचना नहीं है। देखिए, आप कहीं और से भी बिलोंग करते हैं एंड आपको लग रहा है कि मोहाली नहीं जाना चाहिए या वट एवर, इस तरीके का कोई भी सीन है, बट स्टिल आप जो है एक बार इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। राइट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी जो है कैपेबिलिटीज रहेंगी, आगे जाके बहुत आपके अंदर कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी एंड और ज़्यादा सक्सेस की तरफ जो है आप बढ़ पाएंगे। फाइन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.